क्योंकि आपने भी जैसा वीडियो देखा होगा कि बोगिया तो तीनों पट्टी पे, अगर फोटो भी देखेंगे दो में तो डेफिनेटली क्लियर है कि डिरेल किया गया, तो देखा गया है उस पर। इस केस में चूंकि ये रेलवे स्टेशन में हुआ था इंसिडेंट, तो एक्सेसिबिलिटी की उतनी प्रॉब्लम नहीं होती। कई बार होता है कोई इंसिडेंट होता है और रिमोट एरिया में हुआ तो एक्सेसिबिलिटी की भी दिक्कत होती है। तो जैसे इन्फॉर्मेशन मिली थी, पहली टीम पास में ही थी, 30 किलोमीटर की लोकेशन पे थी, तो जल्दी पहुंच गई थी। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी काफी जल्दी आया है वहां पर, उनके भी रिसोर्सेज, उड़ीसा स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की भी टीम बहुत जल्दी पहुंच गई थी। और फिर बाद में बाकी टीम जो बाहर से आई है, ऑब्वियसली ट्रेवलिंग टाइम जो लगा है उतनी थी। लेकिन जो मेन दिक्कत होती है इस तरह की, मैं चूंकि हैवी कंटेनर्स हैं, मेटेलिक बॉडीज हैं, तो इनको कट करके निकालने में जो मेहनत और स्ट्रेटेजी बड़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले लाइव विक्टिम को निकालना इम्पॉर्टेंट होता है, फिर सेकेंडरी डेड बॉडीज को आइडेंटिफाई करके निकालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। सर, कितनी टीमें स्टैंड बाई में हैं, कितनी टीमें वहां पे हैं? तो जैसा कि मैंने बताया, 9 टीम ऑलरेडी है वहां पर और वो काम कर रही है स्पॉट पर। इस ऑपरेशन ट्रेन इंसिडेंट का सीक्वेंस क्या रहा है, क्योंकि आपकी टीम सर ऑन स्पॉट है, कहा जा रहा है कि पहले कोरोमंडल टकराई या पहले वो टकराई, क्या सीक्वेंस? इस पे देखिए, मैं नहीं कमेंट कर सकता हूँ। फाइनली ये सीरियस इंसिडेंट है, रेलवे अथॉरिटीज ने, गवर्नमेंट ने इंक्वायरी का ऑर्डर किया है, तो वो कॉम्पिटेंट होंगे शेयर करने के लिए। सर, परसेंटेज की अगर बात की जाए तो कितना बहुत परसेंटेज में अगर आप बताना चाहें कम्प्लीटेड है, और किस टाइप का सर्च ऑपरेशन चल रहा है? मैनुअली है, कैनाइन है, क्या क्या है उस टाइम? हमारे पास कैनाइन टीम रहती है, कैनाइन टीम ऑलरेडी है वहां पर। जो कैनाइन टीम ट्रेंड होती है, कोई लिविंग पर्सन अगर ट्रैप्ड है उसको सर्च करने के लिए वो ट्रेंड होते हैं, तो वो तो यूज कर ही रहे हैं। और परसेंटेज वाइज मोस्टली जो लिविंग पर्सन का हमने तो सर्च कम्प्लीट कर लिया, कुछ जगह जहां डाउट है अभी उसका वेट कर रहे हैं, उसके बाद हम फाइनल कॉल ले सकते हैं। दिस सेंचुरी फॉर इंडिया एज फार एज आई नो, यस इट इज वन ऑफ द सीरियस एक्सीडेंट। सर, इस ऑपरेशन के दौरान क्या क्या दिक्कतें आई और कब तक ये ऑपरेशन खत्म हो जाएगा एनडीआरएफ की तरफ से? देखिए, ऑपरेशन एग्जैक्ट टाइम मुझे कहना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि टीम ऑलरेडी काम कर रही है, एक एक हर कोच को हम क्लियर करते जाएंगे, लोकल अथॉरिटीज भी है उनके साथ मिलकर क्लोज करते जाएंगे, उसके बाद ही बोल पाएंगे। लेकिन कितना बोगी है वो पड़ा हुआ है? 17 बोगी का, 17 कोचेस की जानकारी है जो डिरेल हुई है और सीवियरली डैमेज हुई है। ऑलमोस्ट हमने सब चेक कर लिया है, सब चेक कर लिया, और जितने लिविंग पर्सन निकाल सकते थे निकाल लिए। अभी जो कुछ में है जो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई है, बिल्कुल दबे हुए हैं, जहां नीचे के एक्सेस नहीं कर पा रहे, जिसमें हम अभी कह नहीं सकते, वो एक दो कोच और हो सकते हैं, बाकी हमने सर्च कर लिया है।